मैडम कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के लेके, आने वाले दो दिनों में भी चुनाव प्रचार थमने वाला है। आज के दिन आपने कौन कौन से गांव का दौरा किया है और क्या क्या वहाँ मतदाताओं की प्रतिक्रिया रही? मैंने आस्था से शुरू किया, रुपट्टा, मानकुंड और सेठगुराड़िया, जावर, जोड़ और मेतवाड़ा, बिलपान, बिलपान से लेके दुराड़ा कला, दुराड़ा कला से आज भी सिद्धिगंज में खड़ी हूँ। और हर जगह उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में। अभी इनका कहना है कि अब की चोट करारी करारी है, ट्रैक्टर सबसे भारी है, जो ट्रैक्टर में तो निशान मिला है। क्या मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग कांग्रेस या भाजपा दोनों में उलझे रहते हैं, मतलब एक दल को पसंद करते हैं, तो एक निर्दलीय होने के नाते आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? मैं निर्दलीय बनाऊंगी, इनका जो दल रहेगा वही हम लागू करेंगे। वो तो अपने अपने दल लेके बैठे हैं, हम निर्दल बने हैं, तो हम निर्दलीय जो जनता कहेगी और जो जनता के बीच में समस्या है वो दल ये पास करेंगे, वो हम सदन में पास करेंगे। अगर जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो जीतने के बाद में जो युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मैं सदन में अगर वहाँ तक पहुँचूंगी तो ये सबसे पहले प्रस्ताव रखूंगी कि आज 14 साल से हमारे युवा नौकरी से वंचित है और आने वाले सदन में इनका जो भी नौकरी निकले, आज चपड़ासी से लेके तो चौकीदार तक की नौकरी नहीं है, मतलब बड़ी पद तो छोटी मोटी चीज़ है। अगर छोटे किसान के बेटे अगर कम पढ़े लिखे हैं तो वो चौकीदार और चपड़ासी भी नहीं बन सकते, ये नौकरी भी नहीं है। तो मैं तो मेरा मानना यही है कि आज किसान का बेटा कहीं अच्छी जगह पर बैठेगा और पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई, अगर वो योग्य बने और उनकी पढ़ाई लिखाई काम आए उनके किसानों को, मेरा यही मानना है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 14 साल से लगातार रहे हैं, लेकिन अभी तक 14 साल में मैं भी 3 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी का कोई प्रस्ताव नहीं आया, क्योंकि जो भी प्रस्ताव होते हैं जिला पंचायत से होते हैं, तो अभी तक एक चपरासी की नियुक्ति भी नहीं हुई। तो मेरा मानना यह है कि जितने बेरोजगार हैं, तो जो भी सदन जो भी सरकार बने उनसे यही मांग है, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते कहना चाहती हूँ कि जो युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं तो जरा इनके बारे में सोचें। ये क्षेत्र सिद्धिगंज क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ वन विभाग की जमीन पर लोगों के कब्जे हैं, क्या उनका आप पट्टे दिलाने में मदद करेंगी? बिल्कुल सदन में पास रख करूँगी, क्योंकि आज उन लोगों ने जगह जमीन छोड़ी है, जब तो ये इतना बड़ा रामपुरा डैम बना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आष्टा के लिए पानी दिया है, नहीं तो अगर वो जमीन नहीं छोड़ते उनको वो घर बार हो या जमीन नहीं छोड़ पाते तो ये डैम नहीं बनता। ये भी मैं सदन में पेश करूंगी कि वन विभाग की जमीन पर जो अतिक्रमण उन्होंने कर रखा है और वन विभाग उनको बेदखल कर रहा है, ऐसे में क्या उनको आप पट्टे दिलाएंगे? क्यों नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि जो शासन की जमीन बहुत सारी ऐसी पड़ी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वन विभाग की जमीन पे वो बैठे हैं। अगर शासन की जमीन से उनको पट्टे दिया जाए तो वो जमीन छोड़ देंगे, और वो पट्टे हम चाहते हैं कि उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है।